Hello everyone, welcome to my channel Gyan Anvishan. In this video we will discuss about class 7 geography book chapter 3rd, okay, our changing earth. तो बेसिकली हमारी अर्थ पे जितने भी चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. अब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है उसकी कितनी लेयर्स हैं. थ्री लेयर्स हैं. ओके, थ्री लेयर्स यानी अपर लेयर क्रस्ट एंड फिर सेकंड मेंटल एंड थर्ड है हमारी क्या कोर. तो ये थ्री लेयर्स हैं. तो फिर अब इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो चेंजिंग अर्थ है हम कहाँ चेंज देख सकते हैं. हम सिर्फ जो हमारी जो क्रस्ट है हम वहीं चेंज देख सकते हैं, ना कि हम मेंटल में या फिर कोर में, क्योंकि हम वहाँ तक रीच नहीं कर सकते. ओके, तो जितने भी चेंजेस हमें क्रस्ट में देखने को मिलते हैं हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जो हमारी जो क्रस्ट है, यानी क्रस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर जो है वो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिस जगह सारी वेजिटेशन, जिस जगह हम रहते हैं और जितनी भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब माउंटेन्स, रिवर्स, तो सारी की सारी कहाँ होती हैं, लिथोस्फीयर्स में. अब ये जो लिथोस्फीयर होती है उसकी जो है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी है, ठीक है. और ये जो प्लेट्स हैं वो ब्रोकन है, मतलब टूटी हुई हैं. और मतलब ये एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपस में टूटी हुई हैं और समय समय पर ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं, मतलब मूव करती रहती हैं. तो इन्हीं मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अर्थ मूवमेंट्स. ओके, तो इन मूवमेंट्स को हम क्या कहेंगे, अर्थ मूवमेंट्स. अब इन मूवमेंट्स को जो है थ्री फोर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड सेकंड होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस. ओके, सो लेट्स सी. अब आता है सबसे पहले, ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस कितने कितने टाइप्स की होती हैं और बेसिकली वो होती क्या है. ओके, तो अर्थ मूवमेंट्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है. फर्स्ट एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और जेनिक मतलब जनरेट होने वाली, मतलब ऐसी फोर्सेस जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर जनरेट होती हैं, जिन जो हमें किसी रिजल्ट के थ्रू हमें दिखाई देती हैं, किसी मूवमेंट के थ्रू हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते. ओके, एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, एक्सो का मतलब आउटर एंड जेनिक का मीनिंग होता है जनरेट. ओके, मतलब जिन फोर्सेस का जनरेशन कहाँ होता है, बाहर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो एंडोजेनिक जो होती हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड की गई हैं. फर्स्ट है सडन फोर्सेस एंड सेकंड है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. तो सडन फोर्सेस, सडन मतलब कोई भी चीज़ जब अचानक से होती है, मतलब उसकी कोई भी प्री हमें कोई चीज़ पहले से हमें नहीं पता चलती. ये जो है फोर्स जो है क्या है, अचानक से जनरेट होने वाली फोर्स होती है, ठीक है. और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे होती हैं और इनको होने में मतलब जो चेंजेस होंगे, जो भी फोर्सेस जनरेट होगी वो होती हुई दिखाई देगी, ठीक है. अब इसका ड्यूरेशन होता है कि इसको 100 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे हज़ारों साल लगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं. अब ये जो सडन फोर्सेस हैं
वो तीन तरीके से देखने को मिलती है। फर्स्ट है अर्थक्वेक, और आगे आता है मतलब ये जो सडन फोर्सेस हैं ये हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, ठीक है। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस यानी जो हमें जिनके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें पता चलता है कि हाँ ये इतने टाइम से हो रहा है और चेंजेस हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आता है माउंटेन बिल्डिंग। अब चलिए देखते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी जो फोर्सेस हमें जनरेट होती हुई दिखाई देती हैं, उनके फीचर्स हमें दिखाई देती हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं ये कैसी होती हैं, इनके रिजल्ट्स क्या होंगे, इरोजनल एंड डिपोजिशनल रिजल्ट्स होंगे, जिसकी वजह से कुछ जियोलॉजिकल रिफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स मतलब समुद्र में लहरों का उठना, और फोर्थ है ग्लेशियर्स। ओके, तो एक एक करके हम समझेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले आता है एंडोजेनिक फोर्सेस में अर्थक्वेक। अब बेसिकली अर्थक्वेक क्या होता है, जब अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ की जो आउटर लेयर है यानी क्रस्ट, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया यानी लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर जो आउटर लेयर है वो किस में बनी हुई है, प्लेट्स में बनी हुई है, मतलब वो एक बल्क नहीं है, वो छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। ओके, तो जब उनका मूवमेंट होता है किसी भी तरीके से, डिफरेंट कुछ भी रीज़न हो सकता है, चाहे उसके लिए नेचुरल फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हों, चाहे उसके लिए मैकेनिकल या फिर मैन फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हों, तो उनकी वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं लिथोस्फेयरिक प्लेट्स के डिसबैलेंस होने की वजह से, उनके मूवमेंट होने की वजह से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। ओके, जिसको हिंदी में कहा जाता है भूकंप। अब इसमें ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वाइब्रेशन किसी फिक्स एरिया में जहाँ अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है वहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो किस एसेंट तक मूवमेंट हुआ है उनमें, और वो वाइब्रेशन किस हद तक ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका एक स्केल होता है जिसके थ्रू इसको मेज़र किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल, और एक एक और स्केल होता है, तो रिक्टर स्केल को ज़्यादा कंसिडर करते हैं बेसिकली जो है। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में समझें रिक्टर स्केल को, तो ये जो स्केल होता है उसमें मानक बनाए गए हैं कि अगर एक नंबर का अर्थक्वेक आता है, वन इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, ज़्यादा वो तबाही नहीं फैलाएगा, और सेकंड का थोड़ा बहुत होता है, बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं होते, फिर थ्री एंड फिर फोर, और थ्री फोर पे थोड़ा बहुत जैसे कोई चीज़ टूट जाएगी, थोड़े बहुत क्रैक्स नज़र आएंगे ये, एंड फाइव, फाइव जो है वो मॉडरेट होता है, ना ही डिस्ट्रक्टिव होगा और ना ही मतलब ये भी नहीं है कि कुछ हार्म भी ना करे, वो बीच का होगा, ठीक है। और फिर आता है सिक्स, ये डेस्ट्रक्टिव में आ जाता है, ठीक है, जहाँ सिक्स इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जनरेट होता है वहाँ पर क्या है, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो थोड़े थोड़े क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं उनमें, और फिर जो है थोड़ा सा डेस्ट्रक्टिव होगा, इतना नहीं होता। ओके, तो बेसिकली ये 10 नंबर्स होते हैं इसमें, इंटेंसिटी के बेस पे अगर हम इसे देखें तो 10 नंबर्स होते हैं, और जो 10 नंबर वाला होता है वो हाईली कैटास्ट्रोफिक होता है, मतलब अगर ये अर्थक्वेक जनरेट हो जाए कहीं तो वहाँ पर कुछ नहीं बचता, मतलब इतनी हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा। कैटास्ट्रोफिक का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ें टूट कर बिखर जाना, बहुत बुरी तरीके से क्या है, तबाह हो जाना। तो ये एक स्केल होता है जिसके थ्रू अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ।
और अभी जो है ये जो अर्थक्वेक वगैरह हैं ये अपने इंडिया में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं आता है। लेकिन भुज का एग्जांपल आपने सुना ही होगा, वहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक का जनरेशन होता है। एंड एक और चीज़ होती है कि अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनो हो, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह जनरेट नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है और जिस जगह वो है, जिस तरीके की जियोलॉजिकल रिफॉर्म पे वो चीज़ बनी हुई है, तो वो बेसिकली है कैसी। तो ये कुछ चीज़ थी कि हर जगह अर्थक्वेक और जितने भी जियोलॉजिकल फोर्सेस हमें देखने को मिलती हैं वो हर जगह जनरेट नहीं होती। अब सेकंड आता है वॉल्केनोज। अब वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि ज्वालामुखी कहाँ से जनरेट होता है, जो हमारी अर्थ की सेकंड जो लेयर होती है यानी मेंटल, ठीक है, मेंटल का जो अपर पार्ट होता है, मेंटल को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी मेंटल का जो अपर पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, विस्कस पार्ट, ओके, प्लास्टिक पार्ट, तो उसमें जो मोल्टन मेटल मेंटल होता है वो, ठीक है, उसमें जितना भी मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मोल्टन फॉर्म में। अब उसके ऊपर वाली लेयर क्या है, एस्थेनोस्फेयर यानी क्रस्ट वाली लेयर, एंड उसके ऊपर वाली लेयर क्या है लिथोस्फेयर। जैसे अगर एक डायग्राम की हेल्प से समझें तो ये मेंटल है, ठीक है, और ये एस्थेनोस्फेयर हो गई, ये लिथोस्फेयर हो गई, तो ये कौन सी पार्ट हो गई, ये क्रस्ट की पार्ट हो गई। अब हमने डिस्कस किया कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, इनमें मूवमेंट होता है। अब इनके मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, मेंटल में जो मोल्टन मेटल है, ठीक है, जितने भी मोल्टन एलिमेंट्स वगैरह हैं वह प्रेजेंट हैं, वो क्या होता है, अब कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर खिसकेगी तो उसमें क्रैक्स भी डेवलप होंगे। अब जब ये लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में मूवमेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर ये खिसकती हैं, तो क्या होता है, इनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे यहाँ से ये मोल्टन मेटल है जिसे क्या कहेंगे, मैग्मा, ओके, तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। एंड फिर ये धीरे 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये इस तरीके से इरप्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये मैग्मा चैम्बर है, यानी ये जो मेंटल है उसमें, ठीक है, एंड फिर ये लिथोस्फीयर आ गई। अब क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हुए, उसके बाद में ये जो है निकलना शुरू हो जाएगी, और जिस पाथ के थ्रू निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट, वॉल्केनिक वेंट, और जिससे ये मोल्टन मेटल है यानी जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो बाहर आता है, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर, ओके, क्रेटर या फिर वॉल्केनिक माउथ। और जब मैग्मा मोल्टन मेटल जो है यानी मैग्मा वो अर्थ सरफेस पर रीच आउट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लावा, ठीक है, अंदर जो हुआ वो था मैग्मा, ठीक है, और जो बाहर निकल के आया है उसका नाम चेंज हो जाता है, बेसिकली उसको लावा कहा जाता है। इससे टू टाइप्स की रॉक बनती हैं, अगर ये बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो ये जो मोल्टन मटेरियल निकला है यह बाहर आके जमने लग जाता है, और फिर उसके बाद में क्योंकि टेम्परेचर कम है अर्थ सरफेस का अंदर ज़्यादा है, इस वजह से ये जमने लग जाता है। अगर इन केस अगर ये बाहर ना आ पाए और कहीं अंदर ही ये कंसोलिडेट होने लग जाए, मतलब अंदर ही फ्रिज होने लग जाए जो मोल्टन मटेरियल है यानी मैग्मा है, तो उससे क्या बनती है, इंट्रेंसिक रॉक्स, एंड जो बाहर आ जाता है उससे बनती है एक्सट्रेंसिक रॉक्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि बेसिकली जो अर्थक्वेक वॉल्केनो जनरेट होता है और जिस पॉइंट से जनरेट होता है, ठीक है,
मतलब उसका जो फोकस होता है, जिस पॉइंट से वो जनरेट हो रहा है उसे तो हम फोकस कहेंगे, लेकिन जो फोकस है, जो उसका मेन फोकस जहाँ पे होता है उसको कहते हैं एपी सेंटर। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर। ओके, ठीक है, और होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। अब उसमें अर्थक्वेक में था कि कहाँ से जनरेट हो रहा है, जिस जगह से वो जनरेट हो रहा है वो है हमारा क्या, एपिसेंटर यानी फोकस, जहाँ से जनरेट हो रहा है अर्थक्वेक। अब फिर जनरेट हुआ तो कुछ वेव्स होती हैं, सीस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है, मतलब ये बेसिकली जो है इंटेंसिटी वगैरह मेज़र करने के लिए होती हैं ये वेव, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। तो ये जो वेव्स होती हैं किसी भी अर्थक्वेक के जनरेट होने से, मतलब किसी भी मूवमेंट से, तो ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह की वेव ट्रेवल करती हैं। प्रीवियस चैप्टर में मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो पी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो सिर्फ सरफेस पर ट्रेवल करती हैं, ओके, और एस वेव और ट्रांसफर वेव्स होती हैं जो अर्थ के कुछ कुछ ही डेप्थ तक जाती हैं, कुछ ही सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। और एल वेव होती हैं, एल वेव होती हैं सरफेस वेव, जो सिर्फ सरफेस पे ट्रेवल करेंगी और किसी भी तरीके से वो नीचे रीच आउट नहीं कर सकती, ठीक है। तो और पी वेव जो होती है वो ऐसी वेव होती है कि वो डेप्थ तक जा सकती है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन गुजरात, तो वहाँ लगभग 6-7 इंटेंसिटी का आया था अर्थक्वेक, आई थिंक 2001 में आया था ये, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी थी अर्थक्वेक की वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से 6.9 इसकी इंटेंसिटी थी रिक्टर स्केल पे। और जो गुजरात का भुज जो टाउन है, ठीक है, जहाँ पर कच्छ की लोकेशन है वो, तो ये इतना डिस्ट्रक्टिव था कि वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह थी वो सब टूट कर बिखर गई थी बुरी तरीके से। और इस स्केल का जो अर्थक्वेक होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर अर्थक्वेक जहाँ जनरेट होता है ना, तो वहाँ ज़मीन हिलती हुई दिखाई देती है, मतलब लिटरली आप उसे मूव करते हुए देख सकते हैं, इतना डिस्ट्रक्टिव होता है ये। और जितनी भी रास्ते में चीज़ें होती हैं वो टूट जाती हैं, और 6 से ऊपर वाले जितने भी अर्थक्वेक होते हैं वो सारे डिस्ट्रक्टिव ही होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ मेजर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, जिसे क्या है, जिसे हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, कि जो जितने भी मेजर लैंड रिफॉर्म्स होती हैं वो बनती हैं। तो फर्स्ट आता है रिवर्स। अब रिवर्स क्या है कि हमारा जो अर्थ है वहाँ पर अगर पहले देखा जाए तो कुछ ही जगह ऐसा था कि पानी प्रेजेंट था, ठीक है। अगर आप इमेजिन करके देखें कि अगर किसी जगह पानी प्रेजेंट हो, ठीक है, पानी हो वहाँ पे, और फिर वहाँ से वो वाटर किसी ना किसी तरीके से ओवरफ्लो होने लग जाए या फिर कोई डिस्टरबेंस उसमें हो, और वो किसी तरीके से वो एक वेंट बना ले, मतलब एक अपना रास्ता क्रिएट कर ले मिट्टी को काट करके, और वो दूसरी जगह जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो पाथ उसने, जो वाटर ने क्रिएट किया है वो किस प्रोसेस के थ्रू किया है, वो होती है प्रोसेस इरोजन। ओके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इरोजन कहते हैं। तो इसी मेजर प्रोसेस की वजह से
क्या बनती है, रिवर की फॉर्मेशन होती है। तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल के हेल्प से ये समझाने की कोशिश करी। जैसे रिवर बेसिकली जो जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, जो जितने भी फ्रिज्ड पार्ट्स हैं यानी जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो जहाँ बर्फ़ प्रेजेंट होती है तो वो पानी पिघलता है, फिर उसके बाद पिघलने के बाद में बर्फ़ पिघलती है, फिर वो पिघलने के बाद कहीं तो जाएगा वो पानी, तो वो पाथ क्रिएट करना शुरू कर देता है, वो वाटर अपने आप ही, जिसे इरोजन कहते हैं, मतलब मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद में वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पहुंचता है, और फिर वो जो वाटर है वो कहाँ मिल जाता है, एक समुद्र में जा कर के, ओके, जो मतलब ओशंस, जिसे हम ओशंस कहेंगे। अब ये जो रिवर है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं कि फर्स्ट है मीएंडर्स। अब मीएंडर का अगर आप इजी लैंग्वेज में समझें तो ये ट्विस्टेड मतलब जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं। मतलब एक टाइम ऐसा क्या है, रिवर ने अपना पाथ क्रिएट किया, वो सीधी सीधी बह रही थी, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इधर साइड में डिपोजिशन होता गया, तो क्या होगा, वो चीज़ थोड़ी सी तो टिल्ट होगी। अब उसी वजह से ये टिल्टिंग होने की वजह से, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इधर साइड में डिपोजिशन होना शुरू हो गया, इधर साइड में, तो क्या हुआ, वो वाटर कहीं तो अपना पाथ क्रिएट करेगा। तो ये जो ट्विस्टिंग जो क्रिएट हो जाती है जिस रिवर में, उसको क्या कहते हैं, मीएंडर्स, ओके। और इसी के बाद वाली जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ऑक्सबो लेक। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि उस रिवर की कोई वाटर बॉडी एक्सेसिव डिपोजिशन होने की वजह से उसके साइड में वो बॉडी उससे अलग हो जाती है, और होल जो रिवर है वो अपना पाथ अलग क्रिएट कर लेती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसको ऑक्सबो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ऑक्स मतलब बुल, ठीक है, बैल जिसे कहते हैं, तो उसका जो खुर होता है, उसका जो पैर होता है, उसकी स्ट्रक्चर जैसी हमें दिखाई देती है, तो इसको हम इस वजह से ऑक्सबो लेक कहते हैं। और ये साइज़ में वेरी करती है, ये छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, ओके। अब आता है फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन जो है वो क्या होता है, मतलब जिस जगह रिवर बह रही है और उसके आसपास, क्योंकि रिवर का अपना एक एरिया है कि वो इतने इतने एरिया में बहेगी, इतना पानी बह के जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से या फिर एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, उसमें क्या है, वाटर ज़्यादा जनरेट होने लग जाता है, वाटर ज़्यादा आ जाता है, तो जिस एरिया में वो फ्लश आउट होगा, मतलब जिस एरिया में वो ओवरफ्लो होगा, उनको क्या कहते हैं हम, फ्लड प्लेन्स, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स को अगर हम समझें तो तराई वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो खास करके नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों से होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, फ्लड प्लेन्स। उन्हीं इलाकों में ज़्यादा संभावना रहती है बाढ़ के आने की, ओके। तो द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, ओके। और जो रेज्ड बैंक्स होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, लीव्स। अब इसको अगर हम आसान भाषा में समझें, फ्लड प्लेन तो क्या था कि उसके ओवरफ्लो वाला जो एरिया होगा वो, लेकिन वो हिस्सा ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमेशा मतलब हर जगह नीचा ही नीचा रहेगा, क्योंकि जो रिवर है वो काफ़ी गहरी होती है, वो कहीं ना कहीं तो उठेगा, तो जहाँ से वो उसकी राइजिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, लीव्स, ओके। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है, अब ये तो था कि रिवर किस तरीके से जनरेट हुई है, मतलब वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस होती है उससे जनरेट हुई है। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में समझें तो इसको हम ETD कहते हैं, इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। इरोजन हुआ और फिर उस किसी वाटर का या फिर सैंड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन हुआ और फिर वो एक जगह जाके डिपोजिशन हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अब रिवर जो होती है
वो बह करके जिस जगह मिलती है, मतलब कहाँ मिलती है रिवर, कहाँ गिरती है रिवर का पानी, वो गिरता है समुद्र में जाके। तो समुद्र में जा करके क्या होगा कि वो अपने साथ कुछ मिट्टी बहाकर लेके जाएगी, क्या रिवर का पानी, ठीक है। और जिस जगह उस रिवर का पानी समुद्र में मिल रहा है वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा, ओके, जो कि बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिलता है, बे ऑफ बंगाल, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है इसमें वर्क ऑफ सी वेव्स, मतलब समुद्र की लहरों के क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी वजह से वो किस तरीके से जनरेट होती हैं और क्या क्या उनके रीजंस होते हैं। फीचर्स मेड बाय सी वेव्स, और सी वेव्स एज यू कैन इमेजिन, अगर किसी जगह पानी ज़्यादा बह रहा है और किसी जगह कंटिन्यूसली वाटर हिट करता रहे तो क्या होगा, वो चीज़ वहाँ से कटनी शुरू हो जाएगी, और कटनी शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कुछ होता है, एक होता है स्टैक। स्टैक में क्या है कि कोई भी रॉक पार्ट जिस जगह सी वेव्स हिट कर रही हैं कंटिन्यूसली, तो वो रॉक पार्ट उससे कम्प्लीटली अलग हो जाए, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टैक। और सी आर्क क्या होगा, सी आर्क होगा कि आर्क का बेसिकली बेसिक मीनिंग क्या होता है कि किसी भी उसमें आर्क बन जाना, तो उसमें एक पाथ बन जाता है, ठीक है, सी वेव हिट करने की वजह से, मतलब उसके आर पार तुम जा सकते हो। और सी केव, केव क्या होता है, गुफा, मतलब उसकी ओपनिंग तो है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद में क्या है, क्लोज है, ओके। तो ये कुछ जो सी वेव की वजह से कुछ रिफॉर्म्स बनते हैं, उनके नाम थे। और आगे आता है वर्क ऑफ आइस। अच्छा, इसमें एक टर्म रह गया, सी क्लिफ। क्लिफ होता है कि किसी रॉक का बिल्कुल वर्टिकल, जो वर्टिकली उसका जो कटाव हो जाता है उसको कहते हैं सी क्लिफ। मान लीजिए कोई ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा सी। अब कंटिन्यूसली जो वेव्स हैं वो हिट कर रही हैं इधर, तो किसी ना किसी तरीके से ये बिल्कुल वर्टिकुलर रॉक टूट जाती है, तो आगे हमें कैसी दिखाई देगी, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, मतलब बिल्कुल वर्टिकल, एकदम सीधी दीवार जैसी, उसका ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ओके। तो उसको हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्क ऑफ आइस, अब आइस का क्या क्या कार्य हो सकता है। अब आइस जो होती है वो बेसिकली क्या है, ग्लेशियल मोरेन्स होती हैं, डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। तो आइस कहाँ बनती है, जहाँ जो है टेम्परेचर कम होगा वहाँ आइस बनेगी। अब इसकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स बनते हैं, उनको देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ आइस, आइस के क्या क्या कार्य हो सकते हैं और उसकी वजह से क्या क्या रिफॉर्म्स बनती हैं। अब जो है ग्लेशियर्स को क्या कहते हैं, रिवर ऑफ आइस, मतलब जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोल्स हैं हमारे, या फिर जितने भी अर्थ पे एरियाज हैं जहाँ पर बर्फ़ प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रिज्ड फॉर्म में लार्ज अमाउंट में, तो उनको रिवर ऑफ आइस कहते हैं, यानी बर्फ़ की नदियाँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर, फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है फ्रिज्ड फॉर्म में, ओके। और ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द जनरेशन ऑफ रिवर, क्योंकि इनसे जो वाटर मेल्ट होता है उसी से क्या बनती है, रिवर, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, रिवर ऑफ आइस।
और इसके बाद में एक डिपोजिशनल स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल मुरेन। अब सबसे एंड में जो प्रोसेस आती है, एक प्रोसेस रह गई इसमें जो कि वर्क ऑफ विंड, हवा के द्वारा जो रिफॉर्म्स बनते हैं वो क्या क्या होगा। जब हवा चलती है तो क्या है, अगर आपने देखा होगा जैसे आंधी वगैरह आती है तो क्या होगा, मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है वो। जैसे कुछ थंडर स्टॉर्म होते हैं जो गोल 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 ऐसे मिट्टी में घूमती रहती है वो, तो क्या है वो किसी ना किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो सैंड है वो क्या है, वो उड़ के जा रही है, यानी इधर से उड़ के वो इधर जाएगी, कहीं ना कहीं जाएगी। तो क्या होगा, उससे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो ये बेसिकली जितने भी जो ड्राई एरियाज़ होते हैं या फिर डेजर्ट वाले एरिया होते हैं वहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले आता है मशरूम रॉक्स। अगर हम इसे एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से समझें तो बेसिकली क्या है कि ये रॉक्स जो हैं वो कुछ इस तरीके की बन जाती हैं, मतलब जो विंड आई वो पहले ये रॉक ऐसी थी, विंड आई तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी विंड की वो इसके रॉक के लोअर पार्ट पे ज़्यादा रही बजाय किसके, अपर पार्ट के। तो क्या होगा, यहाँ से ये चीज़ कटाव होना शुरू हो जाएगा और ऊपर ये जो रॉक है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, मतलब ये एक मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स। ओके, इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि विंड की जो इंटेंसिटी है वो रॉक के लोअर साइड पे ज़्यादा होती है और अपर पोर्शन पे कम होती है, जिसकी वजह से ये रॉक्स बनती हैं। और सेकंड आता है सैंड ड्यून्स, जो सेकंड जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये है कि हम जितने भी डेजर्ट होते हैं वो वहाँ पे नमी तो होती नहीं है और जो विंड होती है वो इतनी ड्राई होती है, इतनी और इतनी तेज़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है, मतलब सैंड को उड़ा करके ले जाती है। तो क्या होगा, एक जगह से उड़ा करके ले जा रही है और जहाँ विंड की इंटेंसिटी थोड़ी सी भी शांत हुई वो जो सैंड है वहीं जा करके डिपॉजिट हो जाती है। तो जो कि कुछ इस तरीके के ड्यून्स बनाने बन जाते हैं वहाँ पे, गुम्बद जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं उनके सैंड की डिपोजिशन की वजह से, तो उनको हम क्या कहेंगे, सैंड ड्यून्स। इनको हम कह सकते हैं लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, और अब आगे आता है लुइस। और लुइस इसमें एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इज कॉल्ड लुइस। ओके, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इज फाउंड इन चाइना, मतलब जब जो सैंड है उसके ग्रेन्स हैं बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, लाइट होते हैं, या वो चमक वाला लाइट नहीं है, वो लाइट मतलब हल्का हल्का वाला लाइट है। ओके, तो वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक क्या है, विंड उसको कैरी करके ले जाएगी, हवा उसको उड़ा करके ले जाएगी, तो फिर क्या होगा, और उसका डिपॉजिशन जो होगा ना वो लार्ज एरिया में होगा, तो उसकी वजह से जो रिफॉर्म जो बनते हैं, स्ट्रक्चर जो बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, लुइस। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, चाइना में देखने को मिलते हैं। आपके इस चैप्टर में बस इतना ही था, उम्मीद है आपके ये सब समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।